गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के अंदर हमारे यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारे यूनिट 4 के अंदर जो मॉड्यूल है दैट इज़ मॉड्यूल नंबर 6, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आज इंटरनेशनल बैंकिंग के बारे में। अगर आप देखें तो इस मॉड्यूल के अंदर हम इंटरनेशनल बैंकिंग से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे तो कंटिन्यूस जो लेक्चर है हमारा इज लेक्चर नंबर 25, जिसके अंदर हम आज हम पढ़ेंगे एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट की अगर हम मीनिंग देखें यहाँ पे तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है। तो एक्सचेंज रेट आर द अमाउंट ऑफ वन करेंसी यू कैन एक्सचेंज फॉर अनदर। अगर आप देखें तो जो एक्सचेंज रेट है वो अमाउंट है जहाँ पे हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी के अंदर एक्सचेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल द डॉलर एक्सचेंज रेट टेल्स यू हाउ मच अ डॉलर इज़ वर्थ इन अ फॉरेन करेंसी। अगर यहाँ पे एग्जांपल से हम समझें तो जो डॉलर है अगर आप उसको एक्सचेंज कर रहे हैं या उसके एक्सचेंज रेट देख रहे हैं तो आप हमेशा ये कहेंगे कि कितने डॉलर की रिक्वायरमेंट है या कितने डॉलर की वर्थ है हमारी एक फॉरेन करेंसी में। तो एन एक्सचेंज रेट इज़ द रेट एट विच वन करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर अनदर। अगर आप देखें तो जो एक्सचेंज रेट है वो रेट है जहाँ पे हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी के अंदर एक्सचेंज कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द वैल्यू ऑफ अनदर करेंसी कम्पेयर टू दैट ऑफ योर ओन। अगर हम अदर वर्ड्स में देखें तो जो एक्सचेंज रेट है वो वैल्यू है हमारे अनदर कंट्री करेंसी की जब हम उसको अपनी खुद की करेंसी से कंपेयर कर रहे हैं। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू अनदर कंट्री यू नीड टू बाई द लोकल करेंसी। अगर आप कहीं दूसरी कंट्री के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको हमेशा नीड होती है कि आप उस कंट्री की लोकल करेंसी को खरीदें। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक्सचेंज रेट को हम डिवाइड करते हैं टू कैटेगरीज़ के अंदर, और उन कैटेगरीज़ की अगर हम बात करें तो वो है हमारी फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अगर आप देखें तो जो एक्सचेंज रेट है हमारी वो फिक्स एक्सचेंज होती हैं और फ्लोटिंग एक्सचेंज होती हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे व्हाट इज़ द फिक्स एक्सचेंज रेट। देयर आर टू वेज द प्राइस ऑफ अ करेंसी कैन बी डिटरमाइंड अगेंस्ट अनदर, अ फिक्स और अ पैग्ड रेट। इज अ रेट द गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक सेट एंड मेंटेन एज द ऑफिशियल एक्सचेंज रेट। अगर आप देखें तो किसी भी करेंसी की प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं जब हम दूसरी कंट्री करेंसी में उसको एक्सचेंज करते हैं। पहली तो होती है फिक्स और दूसरी होती है पैग्ड। अगर आप देखें तो ये जो रेट है ये रेट हमारी गवर्नमेंट फिक्स करती है, मीन्स हमारी कंट्री की सेंट्रल बैंक फिक्स करती है, सेट करती है, और वो मेंटेन करती है हमारी ऑफिशियल एक्सचेंज रेट को। अ सेट प्राइस विल बी डिटरमाइंड अगेंस्ट अ मेजर वर्ल्ड करेंसी। अगर आप देखें तो जो भी हम प्राइस सेट कर रहे हैं उसका डिटरमिनेशन हम अपने मेजर वर्ल्ड करेंसी के अगेंस्ट करते हैं। तो यूजुअली अगर देखें तो यूजुअली हम अपने US डॉलर का यूज़ करते हैं क्योंकि एक तरीके की हमारी बेस करेंसी है। तो बट आल्सो अदर मेजर करेंसी सच एज यूरो, द येन और अ बास्केट ऑफ करेंसी। अगर आप देखें तो हम अपनी करेंसीज को बाकी दूसरी करेंसीज से भी कंपेयर कर सकते हैं, उसकी प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे यूरो हो गया, जापानी येन हो गया और हमारी बास्केट ऑफ करेंसीज हो गई। इन ऑर्डर टू मेंटेन द लोकल एक्सचेंज रेट, अगर आपको किसी भी लोकल एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना है तो द सेंट्रल बैंक बाई एंड सेल इट्स ऑन करेंसी। तो जो सेंट्रल बैंक होती है वो अपनी खुद की करेंसी को बाई और सेल करती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर इन रिटर्न फॉर द करेंसी टू विच इट इज़ पैक्ड, और वो हमेशा वो रिटर्न लेती है उस करेंसी में जो कि किसी भी कंट्री के अंदर पैक्ड है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट कैटेगरी की, दैट इज़ द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज़ डिटरमाइंड बाय द प्राइवेट मार्केट थ्रू द सप्लाई एंड डिमांड। अगर आप देखें तो जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है उसका डिटरमिनेशन हम अपने प्राइवेट मार्केट के थ्रू करते हैं जो कि मार्केट की सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे किया जाता है। अब फ्लोटिंग रेट इज़ ऑफ्टन टर्म्ड एज सेल्फ करेक्टिंग। अगर आप देखें तो फ्लोटिंग रेट को हम टर्म कर रहे हैं एज ए सेल्फ करेक्टिंग रेट। तो एज एनी डिफरेंस इन सप्लाई एंड डिमांड विल ऑटोमेटिकली बी करेक्टेड इन द मार्केट। अगर कोई डिफरेंस होगा हमारी सप्लाई और डिमांड में तो वो ऑटोमेटिकली हमारे मार्केट को करेक्ट कर देगी, मीन्स हमारे एक्सचेंज रेट को करेक्ट कर लेगी। इट इज़ सिंप्लीफाइड मॉडल, इफ़ डिमांड फॉर अ करेंसी इज़ लो इट वैल्यू विल डिक्रीज, दस मेकिंग इंपोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव एंड स्टिमुलेटिंग डिमांड फॉर द लोकल गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप देखें तो एक सिंप्लीफाइड मॉडल के अंदर हम ये बता रहे हैं कि जो डिमांड है किसी भी करेंसी की अगर वो लो है तो उसकी वैल्यू है वो भी डिक्रीज होगी। तो जब भी हम किसी भी इंपोर्ट गुड्स को देखते हैं जो जिसको हम बना रहे हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है और हम अपने लोकल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड में स्टिमुलेट हो जाते हैं। दिस इज टर्न विल जनरेट मोर जॉब्स कॉजिंग एन ऑटो करेक्शन इन द मार्केट। अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज कंस्टेंटली चेंजिंग। अगर आप देखें तो ये हमेशा टर्न करती है कि वो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स को जनरेट करेगी, साथ साथ हमारे मार्केट को भी ऑटो करेक्ट करेगी। अगर आप देखें तो जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है वो एक कॉन्स्टेंटली
चेंजिंग रेट होती है जो कि मार्केट कंडीशंस के बेसिस पे चेंज होती रहती है। इन रियलिटी नो करेंसी इज हॉली फिक्स्ड और फ्लोटिंग। अगर हम रियलिटी में देखें तो कोई भी करेंसी पूरी फिक्स या फ्लोटिंग नहीं होती है। इन अ फिक्स्ड रिजाइम मार्केट प्रेशर कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस चेंज इन द एक्सचेंज रेट। अगर हम किसी भी फिक्स्ड रिजाइम में हैं तो जो मार्केट प्रेशर है उससे भी हम इन्फ्लुएंस हो सकते हैं और हमारी जो एक्सचेंज रेट है वो चेंज हो सकती है। समटाइम्स व्हेन अ लोकल करेंसी रिफ्लेक्ट इट्स ट्रू वैल्यू, जब हम ये देखते हैं कि कभी कभी जो लोकल करेंसी है वो उसकी ट्रू वैल्यू को रिफ्लेक्ट करती है तो हमेशा किसके अगेंस्ट करती है, हमारी पेक्स्ट करेंसी के अगेंस्ट करती है। तो अब ब्लैक मार्केट विच इज़ मोर रिफ्लेक्टिव ऑफ एक्चुअल सप्लाई एंड डिमांड मे डेवलप। तो जो हमारा ब्लैक मार्केट है वो बहुत रिफ्लेक्ट करता है और जो एक्चुअल सप्लाई एंड डिमांड है वो डेवलप होने लगती है। अ सेंट्रल बैंक विल ऑफ्टन देन बी फोर्स टू रीवैल्यू और डीवैल्यू द ऑफिशियल रेट। तो जो सेंट्रल बैंक है वो हमेशा उस फोर्स को जस्टिफाई करती है और वो उस ऑफिशियल रेट को वो रीवैल्यू और डीवैल्यू करती है। तो जो भी रेट है हमारी इस लाइन के अंदर वो अनऑफिशियल हो जाती है, तो देयर बाई हैटलिंग द एक्टिविटी ऑफ द ब्लैक मार्केट। तो हमें अपने ब्लैक मार्केट की जो एक्टिविटी है उसको हेल्ट करना होता है। इन अ फ्लोटिंग रिजाइम द सेंट्रल बैंक में आल्सो इंटरवेन व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू इंश्योर स्टेबिलिटी। अगर आप देखें तो किसी भी फ्लोटिंग रिजाइम के अंदर जो सेंट्रल बैंक है वो हमेशा इंटरवेन होती है जब उसको ये नेसेसरी लग रहा हो कि हमें स्टेबिलिटी को इंश्योर करना है और एक इन्फ्लेशन को ख़त्म करना है, अवॉइड करना है। तो हाउएवर इट इज़ लेस ऑफ्टन दैट द सेंट्रल बैंक ऑफ अ फ्लोटिंग रिजाइम विल बी इंटरफियर। तो अगर हम देखें तो जो सेंट्रल बैंक है वो हमेशा लेफ्ट ऑफ्टन होती है जब वो किसी फ्लोटिंग रेट रिजाइम को इंटरफेयर कर रही हो। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने एक्सचेंज रेट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को यहाँ पे कवर किया है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले ये पढ़ा था कि एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है। तो हमने यहाँ देखा था कि एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है कि वो अमाउंट जहाँ पे हम एक करेंसी को दूसरी कंट्री करेंसी के अंदर चेंज कर रहे हैं, मीन्स एक्सचेंज कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो जो एक्सचेंज रेट है वो रेट है जहाँ पे हम अपनी एक करेंसी को दूसरी कंट्री करेंसी के अंदर चेंज कर रहे हैं। अगर आप देखें तो अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू है अदर करेंसी की उसको जब हम अपनी खुद की करेंसी से कंपेयर करते हैं तो वो हम एक्सचेंज रेट के बेसिस पे करते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो एक्सचेंज रेट होती है वो हमेशा दो तरीके की होती हैं। देयर टू टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट। फर्स्ट वन इज़ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड सेकेंड वन इज़ फ्लोटिंग और पैक्ड एक्सचेंज रेट। अगर आप देखें तो हमें किसी भी करेंसी की प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए दो तरीके होते हैं जिसको हम दूसरी करेंसी के अगेंस्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं वो या तो फिक्स्ड होती है या फ्लोटिंग होती है। अगर हम फिक्स्ड की बात करें और फ्लोटिंग की बात करें तो अगर आप फिक्स रेट को समझें तो ये वो रेट है जो कि गवर्नमेंट सेट कर रही है और वो ऑफिशियल एक्सचेंज रेट को मेंटेन कर रही है। तो जो भी हम सेट कर रहे हैं अपनी प्राइस को वो हमेशा हम मेजर वर्ल्ड करेंसी के अगेंस्ट करते हैं। तो अगर हमें किसी भी लोकल एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना है तो जो सेंट्रल बैंक है वो खुद ही की करेंसी को बाय और सेल करती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर और जो भी रिटर्न उसको उस करेंसी से मिलता है उसको वो पैक्ड करती है। इसके बाद हमने समझा था हमारी नेक्स्ट एक्सचेंज रेट को, दैट इज़ द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अगर आप देखें तो जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है वो हमेशा डिटरमाइन की जाती है प्राइवेट मार्केट से, जैसे कि हमारी सप्लाई और डिमांड। अगर आप देखें तो जो फ्लोटिंग रेट है वो हमेशा सेल्फ करेक्टिंग रेट होती है, मींस वो मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग ऑटो करेक्ट होती रहती है। तो एज एन एनी डिफरेंस इन सप्लाई एंड डिमांड विल ऑटोमेटिकली बी करेक्टेड इन द मार्केट। तो जो जिस तरीके का डिफरेंसेस होंगे हमारे मार्केट की सप्लाई और डिमांड में उसी तरीके से वो हमारी रेट को भी करेक्ट करेगी। अगर हम देखें तो इन सिंप्लीफाइड मॉडल इफ़ द डिमांड फॉर करेंसी इज़ लो, अगर हम किसी भी सिंप्लीफाइड मॉडल के अंदर देखें कि जो डिमांड है हमारी करेंसी की वो लो है तो हमारी जो वैल्यू है करेंसी की वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर हम किसी भी तरीके के इम्पोर्टेड गुड्स को देखें तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे और जो पीपल हैं वो किसी लोकल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को स्टिमुलेट करने लगेंगे। अगर आप देखें तो ये जो चीज़ें हैं ये हमेशा मोर जॉब्स को जनरेट करती हैं और वो मार्केट को ऑटो करेक्ट भी करती हैं। तो अगर आप देखें तो जो फ्लोटिंग रेट है वो एक्सचेंज रेट है जो कि कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। अगर हम रियलिटी में देखें तो कोई भी करेंसी फिक्स्ड या फ्लोटिंग नहीं होती है। अगर हम फिक्स रिजाइम को देखें तो वो भी मार्केट प्रेशर्स के अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस होती है और वो एक्सचेंज रेट को चेंज करती है। अगर आप देखें तो कोई भी लोकल करेंसी रिफ्लेक्ट करती है उसकी ट्रू वैल्यू को जब वो किसी पैक्ड करेंसी के अगेंस्ट हो।
तो उससे हमेशा क्या होता है, ब्लैक मार्केट जो होता है वो डेवलप होने लगता है। अगर हम अपने फ्लोटिंग रिजर्व की बात करें तो सेंट्रल बैंक हमेशा इंटरवेन होती है कि वो उस करेंसी को स्टेबल करना चाह रही है, इंश्योर करना चाह रही है, और वो साथ साथ चाहती है कि हम इन्फ्लेशन को भी अवॉइड करें। तो जो सेंट्रल बैंक है वो हमेशा लेस ऑफ्टन होती है और वो हमेशा फ्लोटिंग रिजर्व को इंटरफेयर करती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।